हे व्हाट्सअप गाइस। सो गाइस, डैड किचन आज आपके लिए लेकर आ रहा है होममेड आइस गोला की रेसिपी। हम यहाँ पर आज दो फ्लेवर लेकर आ रहे हैं, काला खट्टा और लेमन मिंट फ्लेवर। गाइस, अगर आप मुंबई गए होंगे तो आपने काला खट्टा आइस गोला ज़रूर खाया होगा, और आज के टाइम में ना केवल मुंबई में बल्कि इंडिया में हर जगह ये फ्लेवर आपको मिल जाता है। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि इसको घर पर बनाना कितना आसान है? और गाइस, इसको मैंने तैयार किया है बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के, एकदम नेचुरल तरीके से इसको बनाकर तैयार किया है। तो गाइस, अगर आप भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो देखिए इसको शुरू से लेकर आखिर तक, और घर पर बहुत ही आसान तरीके से अपना फेवरेट काला खट्टा गोला और लेमन मिंट गोला बनाकर तैयार करिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम तैयार करेंगे नेचुरल काला खट्टा सिरप। उसके लिए हमें चाहिए एक पैन, और उसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी और 2 मीडियम बीटरूट, उनको चॉप करके आप डाल दीजिए, और लिड लगाकर इसको 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बॉयल होने दीजिए। 4 से 5 मिनट के बाद इसको ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर, 1/2 कप डालेंगे मिंट लीफ। ये ग्रीन कलर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, उससे फ्लेवर भी अच्छा आता है। आप चाहे तो ग्रीन एडिबल जो कलर आता है वो डाल सकते हैं, 2 से 3 ड्रॉप। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, 1 चम्मच डालेंगे क्यूमिन पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे नॉर्मल सॉल्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद दोबारा हम लिड लगाएंगे और 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर इसको हीट होने देंगे, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से पानी के अंदर उनका फ्लेवर आ जाए। अब इसको ओपन कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं परफेक्टली कलर आ चुका है, जो काला खट्टा कलर होता है गाइस। अब हम इसको उतार लेंगे, ठंडा होने देंगे, और थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे लेमन सिरप। तो चाहे तो आप इसमें सिट्रिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें लेमन डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको अब हम छान लेंगे। तो देखिए एकदम नेचुरल जो काला खट्टा सिरप है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसको आप एज ए सैलड भी खाकर यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको ठंडा होने दीजिए, और ठंडा करने के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं सेकंड मिंट एंड लेमन फ्लेवर सिरप, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए हम लेंगे मिक्सी, और उसमें डालेंगे 1/2 कप पुदीने की पत्तियाँ, 1/2 इसमें लेमन जूस डालेंगे, और 1/2 चम्मच डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, 3 चम्मच आप यहाँ पर शुगर डाल सकते हैं, या मैं शुगर की जगह ग्लूकोज पाउडर जो आता है वो डाल रही हूँ, उससे एनर्जी भी मिलती है। तो उसको हम ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है इसको बनाना। अब इसको भी हम अगर गाइज आपके पास ये सिरप है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद अब हम इसको भी एक बाउल में निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरह के जो फ्लेवर हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इनको फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो चलिए गाइज अब तैयार करते हैं होममेड आइस गोला, जिसको बनाना सुपर आसान है। तो यहाँ पर हम लेंगे फिर से मिक्सी ग्राइंडर, और उसमें आइस की कुछ क्यूब्स डालेंगे, और जस्ट इनको बस हमें ग्राइंड करना है। और देखिए एकदम जो आइस हैं वो अच्छे से क्रश हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम लेंगे यहाँ पर एक डिस्पोजेबल कप, प्लास्टिक का जो भी आता है, उसमें आप आइस क्रश्ड आइस जो है उसको डालिए। हाफ आइस डालने के बाद इसमें हम वुडन स्टिक, जो आइसक्रीम स्टिक आती है, उसको सेट कर दीजिए, और हाथों से बर्फ़ को दबा दीजिए, और फिर से हम क्रश्ड आइस जो है फिर से इसमें डालेंगे। तो आप अच्छे से इसको प्रेस करते जाइए और इसको फिल करते जाइए। तो इस तरह से जो आपका होममेड आइस गोला है वो बनकर परफेक्टली तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप इनको बनाकर रेडी कर लीजिए। तो इस तरह से हम जो है सेम प्रोसेस के साथ आइस गोला बनाकर तैयार कर लेंगे। अब गाइज इन फ्लेवर्स को इन पे हमें कोट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले काला खट्टा सिरप लेंगे, और इस तरह से आप स्पून के द्वारा इसको अच्छे से कोट कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया अमेजिंग एकदम लग रहा है, और बहुत ही अच्छा कलर भी है, आप देख सकते हैं। तो काला खट्टा जो आइस गोला बनकर तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस हम मिंट एंड लेमन फ्लेवर के साथ करेंगे। तो इसी तरह से आप कोट कर लीजिए स्पून के द्वारा। देखिए ये प्रोसेस जो है थोड़ा जल्दी करिए, क्योंकि आइस जो है मेल्ट होने लगती है। तो जल्दी जल्दी आप करके इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं।
तो देखिए गाइज, ये भी देखने में बहुत ही अमेजिंग और टेम्पटिंग लग रहा है, देखते ही खाने का मन कर रहा है। तो देखिए दोनों जो आइस गोला फ्लेवर है बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब बनाते हैं काला खट्टा एंड मिंट फ्लेवर मोइतो। तो जो सिरप हमने बनाए थे उन्हीं से हम इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम आइस क्यूब डालेंगे ग्लासेस के अंदर, और कुछ लेमन के पीसेस, और 2 चम्मच हम डालेंगे मिंट लेमन सिरप, और आधा आधा कप हम काला खट्टा सिरप के लिए दूसरे ग्लास में इसको ऐड करेंगे। और इन दोनों में अब हमें ऐड करना है सोडा। और देखिए हमारा जो मोइतो है बनकर तैयार हो चुका है, कितना आसान है इनको बनाना। तो ये जो सिरप है गाइज़, आप इनको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी मन आपका करे आप आइस गोला या इनको मोइतो बनाकर तैयार कर सकते हैं। डेकोरेट कर लेते हैं लेमन के साथ, और लीजिए गाइस दोनों चीज़ बनकर तैयार हैं एक ही सिरप के साथ। तो जो भी आपको पसंद है आप बनाइए और इन्जॉय करिए। गाइस रेसिपी पसंद आई है तो चैनल डाइटिचन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए गाइस जुड़े रहिए हमारे साथ और भी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।